नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और मंडी भाव में। बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, सर आप एक वीडियो बनाइए जो कि अडामा कंपनी का प्रोडक्ट है। किस कंपनी का? अडामा कंपनी का प्रोडक्ट है जो कि एजिल नाम से आता है, और इसका इस्तेमाल हमें किस किस में करना है हम आपको ये भी बताएंगे, और कितनी मात्रा में करना है। बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स भी थे साथ में कि सर इसकी मात्रा का प्रॉपर ध्यान नहीं रहता है, और किस किस फसल में हमें इसका इस्तेमाल करना है, और इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मुलेशन है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप यदि इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप इसे बाय कर सकते हो। काफी अच्छी कीमत पर आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह प्रोडक्ट है, अडामा कंपनी का प्रोडक्ट है जो कि एजिल नाम से आता है, जो कि अपने आप में एक ब्रांड है। ओके, अब बात करते हैं कि यह कौन कौन सी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यह मुख्य रूप से एक हर्बिसाइड प्रोडक्ट है। क्या है? हर्बिसाइड प्रोडक्ट है, यानी कि खरपतवार नाशी प्रोडक्ट है। और यह किस किस खरपतवार को नष्ट करता है? तो यह मुख्य रूप से सकड़ी पत्ती की खरपतवार, जैसे कि सावा है, कंगी घास है, भट्टाचारा है, सुनहरी घास है, सरकंडा है, मकड़ा घास है, घोड़ा घास है, जंगली जवार है, दोब घास है, जंगली जई है, इटालियन राई घास है, और मंडूसी, जिसे हम गुल्ली डंडा, यानी कि जो गेहूं के आकार की जो होती है मंडूसी या गुल्ली डंडा, अलग अलग लैंग्वेज में जो बोलते हैं, उसको भी यह नष्ट करती है। यानी कि जो सकड़ी पत्ती की जो बधाई है, इन इनको काफी अच्छा कंट्रोल करती है। ओके, अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल हमें किस किस फसल के अंदर करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो देखिए, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द और कपास के अंदर और प्याज के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स क्रॉप में भी हम इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसमें? कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इसका डोज कितना रखना है। तो देखिए, डोज की बात करते हैं तो इसका डोज जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती की हो जाती है तो हमें इसका डोज 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर पंप में। कितना? 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर। जब खरपतवार इनिशियल स्टेज पे हो, छोटी हो, तब हमें 30 से 35 ml का डोज रखना है प्रति 15 लीटर पंप में। और जब खरपतवार काफी बड़ी हो जाती है, यानी कि जब फूल की अवस्था होती है, और फूल की अवस्था के बराबर यदि जो सकड़ी पत्ती की खरपतवार उसके बराबर हाइट में आ जाती है, यानी कि अत्यधिक का हाइट हो जाती है घास की खरपतवारों की, तब हमें 40 ml प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। कितना? 40 ml प्रति 15 लीटर पंप में हमें दवाई का उपयोग करना है। ओके, और स्प्रे करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि खेत के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिट्टी में अच्छी खासी नमी होनी चाहिए, यानी मिट्टी अच्छी गीली होनी चाहिए। यदि अच्छी गीली नहीं होगी तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। देखिए, जो भी खरपतवार नाशी प्रोडक्ट होते हैं उनमें जमीन में नमी का होना आवश्यक होता है, और यह पोस्ट इमरजेंस है। क्या है? पोस्ट इमरजेंस है, यानी कि बुवाई के पश्चात ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी पैकिंग किस किस में मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो देखिए, ये पैकिंग है 100 ml है, और मार्केट में 250 ml में, आधा लीटर में और 1 लीटर में भी मार्केट में अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं इसका ऐसा कौन सा फॉर्मुलेशन है जो इतना अच्छा बेहतरीन वर्क करता है। तो इसका फॉर्मुलेशन है प्रोपा क्विजाफोप 10% इसी फॉर्म है। क्या है? प्रोपा क्विजाफोप 10% इसी फॉर्म है, जो कि एक सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। क्या है? जो कि एक सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। और इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आप स्प्रे करोगे, विद इन 3 डेज के अंदर आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या है? 3 दिन के अंदर आप इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, और जिन किसान भाइयों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है वह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किस क्रॉप के अंदर आपने इसका इस्तेमाल किया है और कितनी मात्रा में किया है वह भी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप किस शहर से हैं वह भी बताएं।
और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और इसकी कीमत की बात कर लेते हैं, तो इसकी कीमत 100 ml की, देखिए 100 ml है, इसकी MRP मात्र 369 रुपए मात्र है, जो कि काफी अच्छा प्रोडक्ट है और कम कीमत का प्रोडक्ट है। ओके, इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।